जी, नेक्स्ट ईमेल असद शफीक साहब का है, जो डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, वंडरेबल, फर्म, इंसाइटफुल, रिस्पेक्टफुल, आउटस्पोकन, कैरिज्मेटिक एंड विटी। देख लें प्लीज, जूम कर लें, वाकई लिखा हुआ है। वाओ, मैं तो उड़ रही हूँ, मेरा ईगो बहुत बड़ा हो गया है। These are just a few of the things that come to mind right now from a long list of virtues that seem to have piled up in the last hour. मैं इतनी अच्छी हूँ? This is a completely different side to ZQ, one I didn't expect. I absolutely love her on the show. A pretty face can captivate one's attention for a few moments, but it's the quality of content being poured out that matters after that. Whoever decided to bring her on the show certainly deserves credit. She's by far the most intelligent morning show. Bravo, you just won over a regular viewer despite my schedule. Dr. Asad Shafiq saab, bahut bahut shukriya aapke email ka. ये मैं कहती रहती हूँ जब भी मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि मेरा 8 किलो खून बढ़ा है, लेकिन मेरे लिए भी ये जो शिफ्ट था, लाइक फ्रॉम एक्टिंग, मॉडलिंग, होस्टिंग से, ये होस्टिंग कर रही हूँ, लेकिन ये होस्टिंग ज़रा ट्विस्ट के साथ है क्योंकि इसके अंदर करंट अफेयर्स भी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं पहले बहुत ज़रा अंडर कॉन्फिडेंट थी कि अल्लाह जाने जो मैं बोल रही हूँ, समझ तो आ गई, लेकिन क्या व्यूअर्स तक वो पहुँच रही है जो मैं महसूस कर रही हूँ। थैंक यू कि आपने मुझे बताया, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह करंट अफेयर्स और भी अच्छा होगा। इतना हमारे पास जो हमारा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, जो तस्कियाकार हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनसे मुझे इतना सीखने को मिला है कि आप लोग भी बहुत लकी हैं कि हमारे पास वी आर द बेस्ट। डॉक्टर आसिफ शफीक की जो ईमेल का रिप्लाई किया मैंने कि करंट अफेयर्स, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ साथ कभी कभार फैशन भी उतना ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। निकी नीना मेरी बहुत 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 अच्छी सहेलियां तो हैं, लेकिन डिज़ाइनर्स भी, उन्होंने माशाल्लाह से पाकिस्तान को ग्लोबल फैशन मैप पे नुमाया किया है। देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है पाकिस्तान के फैशन के बारे में। और इतने सेलिब्रिटीज़ ने फ़ोन किया, बहुत बहुत मज़े का सेगमेंट था। शुरू में क्या मुश्किलात आती थी? ज़ीक्यू बहुत मुश्किलें थी शुरू में, तो लोगों को इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं था फैशन चीज़ क्या है, और एक डिज़ाइनर आउटफिट में और एक रेगुलर आउटफिट में क्या फ़र्क है। दे वर नॉट विलिंग टू पे द प्राइस फॉर इट, कि ये तो एक आम, मतलब अगर दर्जी के बनाएगा तो ये इतने में बन जाएगा, उनको फ़र्क नहीं मालूम था। बिल्कुल, उनको ट्रेन करना हमें पड़ता था कि जी किस तरह से, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डिज़ाइनर आउटफिट एंड रेगुलर आउटफिट, और उसके अलावा क्या उनको सूट कर रहा है कम्प्लेक्शन को। और मतलब अब तो हर चीज फैशन ओरिएंटेड है एंड पीपल आर वेरी अवेयर ऑफ इट। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो एक हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल शुरू में पेश आती थी वो ये थी कि वो जोड़ा बहुत अच्छा है मेरे लिए बनाते हैं, सो वी हैड टू कन्विंस पीपल कि प्लीज आप हमें ट्रस्ट करके कि कम्प्लेक्शन किस तरह, रंग क्या पहने, फैब्रिक क्या पहने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक चीज जो किसी एक के लिए ठीक है वो दूसरे के लिए भी ठीक हो। सो यू नो दैट्स व्हाट वी आर देयर फॉर। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि फैशन इंडस्ट्री के आप तो मतलब के लाहौर में हैं, लेकिन पाकिस्तान में पायनियर्स हैं आप, सीरियसली। और ये मैं वैसे ही आपको मस्का लगाने के लिए नहीं कह रही, बिकॉज आप लोग तब थे जब मतलब कि पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री बेबी भी नहीं था, बल्कि मतलब कि वो उस वक्त इंक्यूबेशन थी, कि पीपल डिडंट टेक द मॉडल्स सीरियसली। डिज़ाइनर्स के ऊपर भी होता था कि अच्छा हाँ ठीक है, वो जैसे आपने कहा कि दर्जी भी बना सकता है। तो इंडस्ट्री वाइज मतलब कि माशाल्लाह अब तो पाकिस्तान ग्लोबल फैशन मैप पे है। बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लाहौर फैशन वीक होने वाला है। बिल्कुल। इट्स एक्चुअली पाकिस्तान फैशन वीक। पाकिस्तान फैशन वीक में पूरे पाकिस्तान से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और मकसद यही है कि पाकिस्तानी फैशन को इंटरनेशनल लेके जाना है। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। बिल्कुल। अब तक हमारे मुल्क में उसको एंटरटेनमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और उस पर लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं था कि इसको इसमें कितना पोटेंशियल है और इससे मुल्क को कितना फायदा हो सकता है। बिल्कुल। सो यू नो हम सब डिजाइनर्स ने जमा होकर यही फैसला किया कि अपना काम तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मुल्क के लिए भी करना जरूरी है और उसको ग्लोबल मैप पे लेके जाना बहुत जरूरी है। और अगर एक प्लेटफॉर्म से करेंगे सारे डिजाइनर्स, तो बाकी बायर्स जो इंटरनेशनल बायर्स वो भी आपको ज्यादा सीरियसली लेंगे। और इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, और इतनी मुल्क पे फॉरेन एक्सचेंज आएगी और हमारा सॉफ्टवेयर इमेज होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये बहुत एक सीरियस इंडस्ट्री है, और हमें उसको एज एन इंडस्ट्री लेना चाहिए, नॉट एज जस्ट फैशन। मुझे आप बताइए कि निकी नीना की क्या USP है? How are you different from the other designers? देखो निकी नीना का अपना एक स्टाइल है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है टू बी कॉल्ड डिज़ाइनर इज़ कि आप साल की दो कलेक्शंस प्रॉपरली दिखाएं।
एटलीस्ट टू के एक स्प्रिंग समर कर दें और एक विंटर की करें, वो आप उसको उसको प्रिंट कराएं, पीपल शुड नो कि ये इनकी कलेक्शन निकली है, अगर आप अपने आप को डिजाइनर कहलवाना चाहते हैं. उसके अलावा हमने जो फैशन काउंसिल बनाई है उसको आपको मेंबर बनना होता है, उसके लिए क्राइटेरिया हमने सेट किया है कि यू हैव टू बी फुलफिल दैट क्राइटेरिया टू बी इन ऑर्डर टू बी पार्ट ऑफ दैट. आपके लिए एक कॉलर है जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आप कितने मुख्तलिफ साउंड कर रहे हैं, आप गेस करें कौन है? सुबह सुबह सारे ऐसे ही साउंड करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल ठीक. और अपना नाम ना बताना ताकि हम चाह रहे हैं कि निकी नीना गेस करें कि कौन है, जरा थोड़ा सा और कुछ बोले. ठीक है. आपको तो हंसी से पता चल जाना चाहिए. नहीं नहीं पहचाना अभी. थोड़ा सा और बोलो, थोड़ा सा कुछ और बोलो. कुछ और बोलूं, हर वक्त हमारी मीटिंग्स में मुलाकात होती है और फेसबुक पे हमेशा तुम्हें ठंडी लगती रहती है. ठंड तो खैर आजकल लाहौर में बहुत है, बहुत ज्यादा. आपके स्टूडियो में अपेरेंटली नहीं है इतनी ज्यादा. नहीं बिल्कुल, हम तो बहुत बहुत मजे से बैठे हुए हैं. कामी हाउ आर यू? बता दें कामयाब रुकनी हमारे साथ लाइन पे है. ही इज डिजाइनर इन हिज ओन राइट, माशाल्लाह. मतलब कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, माशाल्लाह, ऑफ कोर्स, ब्रिलियंट. तो दैट इज कामी. आप थैंक यू वेरी मच लेडीज, यू आर वेलकम. कामी आप क्या कहना चाहेंगे निकी नीना को, क्या कहना चाहेंगे या व्यूअर्स को, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें निकी नीना के बारे में? निकी नीना बहुत दो टैलेंटेड डिजाइनर्स हैं. मुझे याद है कि आई थिंक जब मैं स्टूडेंट था तब से आई एम अवेयर ऑफ देयर वर्क, बिकॉज हमारे एक जो बहुत अच्छे फ्रेंड है HSY, उनने इनका एक बुक कोरियोग्राफ किया था. सो आई हैव बीन अवेयर ऑफ देयर वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक दे हैव अ कलर सेंस एंड दे डू रियली फन फेमिनिन क्लोथ्स एंड दे आर वेरी वेरी गुड एंड आई थिंक दे And this season especially their collection has been very good, which you can see I think in the new Levas. It's really really good and yeah, I think they're great. Kami, thank you so much. Mujhe aap bataiye ki ye jo Karachi Lahore, abhi mujhe bade laathi charge na ho jaye mujh pe Karachi designers ka. I mean ek baat hai ki Lahore se fashion shuru hota hai, ye to undebatable baat hai. I just feel ke magar matlab ki PSFD bhi yahan pe hai और भी कराची में. देखो लाहौर इज ऑलवेज बीन द कल्चरल हब. बिल्कुल. और आई मीन उसको इग्नोर करना मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है फॉर सेंचुरीज. यू कांट से फॉर इयर्स बट फॉर सेंचुरीज. फॉर सेंचुरीज बिल्कुल. और उसको इग्नोर करना मेरा ख्याल है थोड़ा सा मतलब सही नहीं होगा. और अभी कुछ अरसा पहले कराची फैशन वीक हुआ था और अब इंशाल्लाह ये लाहौर में पाकिस्तान फैशन वीक होने वाला है. तो हम क्या फर्क देखेंगे इन दोनों में? लड़ाई नहीं करवा रही. नहीं नहीं नहीं, लड़ाई बिल्कुल लड़ाई नहीं करवा रही. मैं सिर्फ अपने जनरल नॉलेज के लिए. आई मिस दैट. मैं ये तो आई विल डेफिनेटली नॉट मिस, बल्कि व्यूअर्स को भी हम दिखाएंगे जरूर. मगर आई थिंक हम पहले देखते हैं उसके बाद हम इसके बारे में बात. पाकिस्तान के सरबरा सदर जरदारी हैं, हमारी फैशन काउंसिल की और मतलब कि जो एक बंदा होता है जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंचार्ज होते हैं, वो आप लोगों में से कोई? देखिए हमारा एक बोर्ड है 22 लोगों का. अच्छा. और उसमें फर्क फर्क कमिटीज हैं और हर इंसान की अपनी एक फर्क उसमें जिम्मेदारी कह लें. कोई एक पर्सन हेड? अभी फैशन वीक पे और वेरी ऑनेस्टली आई मस्ट गिव क्रेडिट टू सहर सहगल द वे शी टेक्स आउट टाइम, क्योंकि हम सब अपने कामों में मसरूफ रहते हैं और कई दफ़ा हम गायब हो जाते हैं. शी समबडी हु हैज वर्कड रियली हार्ड टू गेट अस वेयर वी आर टुडे एंड यू नो वी नो दैट वी कैन डिपेंड ऑन हर. हम कभी गायब हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी अपनी मसरूफियात में. But she's somebody who's really contributed a lot. Mashallah, mashallah. Hum ja rahe hain ek break pe.